दोस्तों, इस वीडियो मैच जो कवर करने वाले हैं जो कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो कि मैच खेला जाएगा, और ये मैच ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का देखोगे, हमने रिसेंट काफ़ी सारे मैचेस कवर कर रखे हैं, आयरलैंड का तो हमने कवर किया ही था लास्ट मैच, तो ये मैच हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं सही, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसे मैचेस में नॉलेज होता है, बट आपके लिए अच्छा मैचेस रहेंगे क्योंकि आप हमारे वीडियो देख रहे हो। उसके बाद बता दो, एक ही टाइम पे दो मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप ये वाला मैच खेलो और एक वुमेन मैच खेलो, दोनों मैचेस अच्छे प्रॉफिट के लिए, इसीलिए इस मैच को स्किप करके चलेगा, दो मैचेस पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं वुमेन मैच का वीडियो अपलोड कर दूँगा, उससे भी जाके देख लेना। लेकिन देखो, हर एक मैच कवर करते 15-20 मिनट पहले आपको फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में शेयर कर देते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हो, किसी से भी अच्छी टीम होती है 15-20 मिनट पहले आपको टीम मिल जाती है। तो प्लीज ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, उस पर टैप करके टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे लगभग आप मान के चलो 30,000 के आसपास आपको यूजर्स देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करो, कहीं से भी करो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल मिस मत करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑफिशियल ज्वाइन करना, फेक ज्वाइन करोगे तो वो तो आपसे पैसे मांगे, बट आप फेक मत करना प्लीज़, मेरे नाम से हज़ारों फेक चैनल आप उनसे दूर रहना। ऑफिशियल ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, उससे आप रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, तो जो उसे ज्वाइन कर लेना। हर एक मैच कवर करते ही है, वही प्रेफर करूंगा लास्ट मैच स्कोर कार्ड, क्योंकि लास्ट मैच स्कोर कार्ड से इतनी अच्छी टीम बना सकते हो उतने स्टार्ट से कभी नहीं बना सकते, स्टार्ट से क्योंकि माइंड ऑफ होगा, इससे अच्छा हम लास्ट मैच स्कोर कार्ड देखेंगे, बड़े कम टाइम में बहुत अच्छी टीम बनती है। तो 7th मैच सीरीज का ध्यान रखिएगा, और उसके अलावा देखोगे लास्ट में जो कि जर्मनी के साथ ही लोग खेल के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ये तो हमने कवर किया था डेनमार्क के साथ, आयरलैंड खेल के आ रही है, तो हम सबसे पहले देखेंगे आयरलैंड का, देखते हैं क्योंकि इनके देख लेते हो, सिर्फ मुझे अच्छे से बैटिंग ऑर्डर याद है, आजकल तो कुरवन्ना बैटिंग कर रहा है, तो देखोगे तो इनके बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, वही है जो हर बार यूज़ किया जा रहा है। हालांकि लॉर्कन टकर पहले मिडल ऑर्डर बैटिंग करते थे, बट अब टीम दस वरना बैटिंग करने आ रहे हैं, वरना बैटिंग कुछ स्कैम्पर को करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है अब, बट कोई नहीं, इनका बैटिंग ऑर्डर एंड्रे बेलबेरिन, मैंने लास्ट वीडियो बोला था पक्का ये अच्छी नहीं खेल के जा सकते, पॉल स्टिंग अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं, और विकेट नहीं गिरा तो काफ़ी अच्छी नहीं खेल के जाएंगे, और लास्ट बचे 55 रन की नॉट आउट पारी खेले, अच्छे प्ले टीम से कवर करके चले, पॉल स्टिंग कैप्टनशिप भी कर रहे हैं इस बार, तो एक मस्ट अप, पहले एंड्रे बेलबेरिन थे बट अब कैप्टनशिप पॉल स्टिंग कर रहे हैं। एक बार पावर प्ले बॉली लाइनअप भी देख लेते, फोन ना बैटिंग यानी हैरी टेक्टोर आएंगे फिर उसके क्रिस्टस कैंपर, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप देखोगे बैटिंग ऑर्डर, तो मार्क एडर सॉरी बॉलिंग लाइनअप देखोगे तो मार्क एडर फर्स्ट पावर प्ले में बॉलिंग किए, 4 ओवर बॉलिंग किए थे, 3 विकेट लिए, सामने कमजोर टीम थी, 3 विकेट इजिली इनके लिए तो है ही। उसके अलावा जोशुआ लिटिल 4 ओवर बॉलिंग किए थे, लक थोड़ा सा खराब चल रहा है, बस आप ये समझ के चलो 4 ओवर में भी विकेट ले चला गया, लक खराब है, ये छोटे प्लेयर पता नहीं छोटे प्लेयर्स को आउट नहीं करेगा, जो बंदे की बड़े प्लेयर्स को लेकर इजिली आउट करते हैं जोशुआ लिटिल, आप टारगेट कर लेता है, बट कोई नहीं, हो सकता आज विकेट लेके जाए, आप ग्रेलिटी में कैप्टन करके चलिएगा। बैरी मैकेटी 4 ओवर बॉलिंग के 3 विकेट ले गए, ये बॉलिंग ऑलराउंडर टीम दस से जैसे मार्केट है वैसे ये भी है, अच्छी हिटिंग ये भी करता है, क्रिस्टस कैंपर 4 ओवर में 1 ही विकेट मिला, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है टीम से 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। बेंजना वाइट 4 ओवर में 2 विकेट लेके गए, तो चलो इनके पावर प्ले में भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, पॉलिस्टिंग वगैरह बॉलिंग नहीं किए इनके, वैसे कोई कन्फ्यूजन रहता भी नहीं, आयरलैंड के जो है ना बॉलिंग लाइन से कभी मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता ही नहीं है। और उसके अलावा देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का, देख लेते हैं लास्ट मैच, वो मैच स्टार्ट भी होने वाला है जो फिलीपींस का, क्योंकि 5th मैच ही लोग खेल के आ रहे थे, आई थिंक 3rd मैच सॉरी 5th मैच ही है यार। तो इनके देखोगे ऑस्ट्रेलिया का एक बार बैटिंग ऑर्डर देख लो, ये लोग मतलब कि देखो अच्छी टीम है, कोई ख़राब टीम नहीं है, लेकिन इनके जो प्लेयर्स है कभी चलते कभी नहीं चलते, बट अच्छी टीम जो उसे मैं बता रहा हूँ, इकबाल हुसैन ओपन करेंगे, लास्ट मुझे डक्का आउट हो गए थे, बट स्टिल ठीक ठाक प्लेयर है, ओपन करेंगे टीम दस से मार्क सिप्सोन के साथ ओपन करेंगे, 1 डाउन रजमल सिंह देखोगे सिगीवाल जो कि टीम दस वांडा बैटिंग करेंगे प्लस कैप्टनसी करेंगे, साहिल मोमिन एक अच्छे प्लेयर है, 4 ना बैटिंग करने आ गए थे, हालांकि होप तो नहीं था कि साहिल मोमिन 4 ना बैटिंग, बट 4 ना बैटिंग करने आ गए थे। अरमान रंधावा भी अवेलेबल है, उसके अलावा अकीब इकबाल भी अवेलेबल है, मिर्जा हसन भी अवेलेबल है, अब्दुल्ला भी अवेलेबल है, तो ये तो है ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप, सब देख लो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है ऑस्ट्रेलिया का ये जो लाइनअप्स है वही कुछ प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी सिंपल्स है, लेकिन कुछ इसमें नए प्लेयर्स भी है। अगर देखोगे तो अकीब इकबाल ने भी अच्छी हिटिंग किया था लास्ट मैच, सही है, और उसके लिए कैप्टन तो अच्छा प्लेयर है ही, बस थोड़ा सा जल्दीबाजी कर गए थे और कुछ नहीं, हालांकि हो सकता है अगर टीम पहले बैटिंग है तो ऑल आउट ही कन्फर्म होने ही होने हैं। एक बार इनका पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप देखते हैं, फर्स्ट पावर प्ले में देखोगे साहिल जादरन ने स्टार्ट किए थे, ऑलमोस्ट आप मान के जो 4 ओवर बॉलिंग 1 विकेट लेके गए थे, और उसके अलावा आकिब इकबाल 2 ही ओवर बॉलिंग के विकेट ले गए, कोई मैच पूरा गया ही नहीं था, 10 ही ओवर में लोग चेस कर लिए थे जर्मनी की टीमों भी, अमित जो की टीम दस 2 ओवर बॉलिंग के, अब्दुल्ला भी सिर्फ 2 ही ओवर बॉलिंग के, साहिल मोमिन जो की टीम दस जबरदस्त प्लेयर है, ये ना
बहुत अच्छा प्लेयर, अब कवर करके चले साहिल मोमिन को, बॉलिंग अच्छा करता है और बैटिंग जनरली करता नहीं। लास्ट एक और बॉलिंग क्या है, लेकिन बैटिंग करने आ गया था ये फोदा पे, लेकिन बैटिंग ये अच्छा नहीं करता लेकिन बॉलिंग अच्छा करता है साहिल मोमिन, ध्यान रखिएगा। आपको टेलीग्राम पर यूज अपडेट करूंगा, लगभग 5030 के आसपास आपको यूजर्स देखने को मिल जाएगा, तो एक्टिव रहना, टेलीग्राम चैट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। एंड अब बात करते हैं प्लेयर वाइज साइज, लेकिन इसके बाद वो मैन मैच उसे मैं कवर करूंगा, अभी इस मैच में टाइम आराम से वीडियो शूट करूँ। बाकी बैटिंग ऑर्डर की टेंशन मत लेना, बैटिंग ऑर्डर वगैरह सब कुछ वही है, ड्रीम आपको बैटिंग ऑर्डर भी शेयर कर देता है और मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर ही दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लिया करो। बैटिंग ऑर्डर क्या रहता है, हर किसी को याद रहता है, इतने नए तो नहीं हो कि कुछ याद नहीं रहता, इतने साल से कवर कर रहा हूँ मैं। और आप भी देखो विकेट कीपर चैनल को, उससे पहले उस वीडियो को जूस लाइक करके मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ऑल पर सेट कर, आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिला। बात कर विकेट कीपर सेशन, पहली बात तो मैं सिलेक्शन में टीम नहीं बनाता, थोड़ा सा हटके टीम रहती तो आप प्लीज़ मेरी गैली मतलब जो मेरी स्मॉली टीम रहती ना, थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो आप उसे मिनी गैली में एटलीस्ट जरूर से यूज़ क्या करो, ये चीज़ को ध्यान रखा करो। तो विकेट कीपर से सैमसन पार्कर एक अच्छा प्लेयर है, मना नहीं है सैमसन पार्कर के टीम से, लास्ट में 24 रन मारा था, एक छक्का भी मारा था, दो चौका भी मारा था, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट टुको जिस हिसाब से आपको पता है टुको टीम से अच्छा प्लेयर भी है, अभी वरना बैटिंग कर रहा है, अगर टीम पहले बैटिंग किया तो आप इसके साथ जोर से जाइएगा, उसके से बिल्कुल भी ड्रॉप करने के रिस्क मत लेना जब पहले बैटिंग करे, तो चेसिंग में भी ले भी सकते हो लेकिन पहले बैटिंग करे तो इसको लॉक इन को ड्रॉप मत करना। पार्कर को ट्राई किया जा सकता है अगर टीम पहले बैटिंग करे तो, बट फिलहाल के टुको इसलिए क्योंकि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स आपको देंगे, प्लस इन लोग विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं, प्लस टीम दस वरना बैटिंग कर रहे हैं, देखते कब तक वरना बैटिंग करेंगे। उसके अलावा देखोगे सीगवाल काफ़ी सही प्लेयर है, कैप्टनसी कर रहे हैं, वरना बैटिंग कर रहे हैं, बट सबसे पहले मेन पे फोकस करो, ठीक है। सबसे पहले एंड्र बैलवेरी सामने कमजोर टीम है, हिटिंग करके जा सकते हैं, लास्ट 50 मारे तो बहुत दिन बाद 50 मारा है, बहुत दिन बाद 10 में से बड़ी मुश्किल भी मतलब ये ना के 12 मैचेस से चलता है, बहुत दिन बाद में देखा कि 50 मारा है। उसके अलावा एम अनसन वगैरह साइड पॉलिस्टिंग पिकर, चलो हरी टेक्टोर आप कवर कर सकते हो अगर टीम अगर पहले बैटिंग है तो, हरी टेक्टोर इंपॉर्टेंट है, अगर टीम पहले बैटिंग है तो ही आप हरी टेक्टोर को पिक करना, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, टीम पहले बैटिंग करे तो ही इनको पिक करने का रिस्क लेना, अदरवाइज आप ड्रॉप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनकी बैटिंग आ भी नहीं सकती, हो सकता है वो ना बैटिंग हो सकता है ओपनर से चेस कर ले। तो अभी नीचे कुछ खास नहीं है आयुसेन वगैरह, बट इन सबको साइड रखते हैं, आप एक पिक कर सकते हो ऋषि सिग्रवाल को, अच्छा अपने टीम से कैप्टन रजमाली सिग्रवाल कैप्टनसी कर रहा है, सही है, बट साइड रखते हैं, तो उससे कैंपर इंपॉर्टेंट एस मोमिन एक अच्छा प्लेयर टीम से, देखो बैटिंग से नहीं कर बट बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, काफ़ी अच्छा स्पिनर है टीम से, स्पिन बॉलिंग करता है। डॉकरेल बॉलिंग कुछ कंफर्म नहीं रहता इनका, मैंने लास्ट वीडियो बोला था कि बॉलिंग हो मे भी ना करे, वही हुआ। एस जादरन एक मिनट, एस जादरन बॉलिंग किया था एक थिंग रुको, एस जादरन बॉलिंग किया है वो भी फर्स्ट पावर प्ले में, अच्छा बॉलिंग तो उतना नहीं कहूँगा लेकिन हाँ बॉलिंग अच्छा से किया है, तो चाहो तो पिक कर सकते हो। एक बॉल अच्छा रहेगा टीम से कवर कर चलेगा क्योंकि चार ओवर बॉलिंग भी करेंगे प्लस हिटिंग के लिए भी आ रहे हैं, देखो एक बॉल बॉलिंग भी कर रहा है, देखो यहाँ पे एक बॉल पावर प्ले में वो भी, उसके अलावा बैटिंग करने भी आ रहा है सिग्नल पे, तो एक बॉल अच्छा रहेगा जादरन से भी, तो हम फिलहाल के 3 ऑलराउंडर्स लेते हैं। उसके अलावा सबसे पहले जो अगर टीम पहले बैटिंग करे तो आयरलैंड के सभी मेन बॉलर्स को जैसे जोशुआ लिटिल, मार्क एडर, बैरी मैकार्टी, बेंजनम वाइट, अब जो फाइनल पे बचता है आप कहीं से भी ले लो, आप आयरलैंड के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है उस सबको कवर कर चुके हैं, अब जो 11 प्लेयर है आप पिक कर लो किसी को भी, किसी को भी पिक कर सकते हो, अगर कोई आयरलैंड का अच्छा प्लेयर खेलता है तो ट्राई किया जा सकता है, जैसे आप ड्रॉकर ट्राई कर सकते हो, हैरी टेक्टोर कर सकते हो, हैरी टेक्टोर से उतना होप नहीं है, हो सकता है कि उनकी बैटिंग ना आए, चेस कर लो ओपनर से, तो अगर आप चाहो तो एक विकेट कीपर बना सकते हो, पार्कर को पिक कर सकते हो या फिर पिक कर सकते हो, और यहाँ पे सिकवाल को पिक कर सकते हो, रजमाल सिकवाल को भी पिक कर रहा हूँ, बट अगर चाहो तो एस जादरन एक लोग को बता दे तो किसको अच्छा रहेगा, नहीं वही अच्छा ऑप्शन है, आप उन्हीं के साथ जाओ अच्छा रहेगा टीम से, वरना बैटिंग कर रहा है मैं पिक करके चल रहा हूँ, ओवरऑल टीम बन चुके, हो सकता है देखो आप ऑस्ट्रेलिया का जो है ना उनकी बैटिंग भी मतलब कि उनके बॉलर्स को नहीं पिक करो तो अच्छा रहेगा, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ये दोनों ही मतलब कि चारों बॉलिंग करेगा बैटिंग तो अच्छे कर लेंगे, तो सही है कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन कैप्टन बात करें टीम लेके बहुत सी स्मॉली के हिसाब से ना बहुत परफेक्ट से टीम बनी, बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी वीडियो मतलब कि अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग जगह मतलब कि इसे रोटेट क्यों होता है, बता दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो पे थंबनेल नहीं रखता, इसलिए रोटेट आप करके देख लो, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, अच्छे से वीडियो क्वालिटी बढ़ जाएगा तो आपको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा किया हूँ ना क्योंकि अब थंबनेल दिखता नहीं तो लोग को देखते नहीं वीडियो, अब ये मतलब एक बग है कि यूट्यूब पे ना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ है उसी यूट्यूब मतलब कि शॉर्ट्स मान के उसमें मतलब थंबनेल नहीं दिखाता है, ये गलत है यार, इस वजह से काफ़ी सारा लॉस भी हुआ। कैप्टन कैप्टन क्रिस्टस कैंपर हैज ए कैप्टन जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन पॉलिस्टिंग के साथ जा रहा हूँ, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो उसके साथ सीबीसी रिवर्स कर सकते हो, अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो क्या करेंगे, देखो अगर टीम पहले बैटिंग करे तो
ऐसा कॉम्बिनेशन करने का हिम्मत एक ले सकते हो। ऐसा आप इस टीम को मिनी ग्रैली में यूज, स्क्रीनशॉट ले लो, मिनी ग्रैली में यूज़ करना, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो आयरलैंड की, अगर पहले बॉलिंग करे कैप्टन वाइस कैप्टन, आप ऐसे ट्राई करना, क्योंकि किस किस्म देता बॉलिंग नहीं करेंगे, और लास्ट जो डक अलग भी आज 0 विकेट्स लेते हैं, 2 से 3 विकेट लेके जाए, तो इस टीम को भी आप मिनी गैली में यूज़ कर लेना। और इसके अलावा बैरी मैकाटी वगैरह, वेजन वाइट को ट्राई करिए, वेजन वाइट जबरदस्त प्लेयर है। फिलहाल ऐसे मैं कैप्टन जा रहा हूँ क्रिस कैम्पर के साथ, वाइस कैप्टन पॉलिस्टिंग के साथ। इस देखो पॉलिस्टिंग के पास बैकअप नहीं, बट इनके पास बैकअप भी है, क्योंकि ये टीम से फिर ना बैटिंग भी कर लेंगे, आना तो चाहिए था वरना, बट अब फिर ना बैटिंग कर रहे तो फिर ना बोलूंगा, प्लस टीम से 4 ओवर बॉलिंग तो काफ़ी सही रहेगा, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है मैं टॉस के ऊपर बहुत मेरा टीम डिपेंड करता है, आपको भी पता है मैं लॉजिकली पे भी टीम बनाता हूँ, टॉस फैक्टर देखूंगा उसके बाद अपडेट करूंगा टीम। अगर अभी तो फिलहाल के लिए अगर टीम पहले बैटिंग करेगी और आयरलैंड की टीम, तो ये टीम काफ़ी सही रहेगी। अगर टीम पहले बॉलिंग करेगी आयरलैंड की, तो फिर आप बॉलर्स की रोटेट करना, सीबी से अच्छे रहेंगे बॉलर्स। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, कोई भी डाउट तो कमेंट करना, बाकी टीम ओवरऑल सही है। मिलते हैं टेलीग्राम पे, मोमेंट को इसलिए कैप्टन नहीं किया क्योंकि हो सकता है उतना कुछ ज़्यादा खास ना करे, जब तक ये दोनों कर ले, तो ध्यान रखिएगा। विकेट कीपर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जब भी एक और विकेट कीपर पर को ट्राई कर सकते हो, बट सीवाल के साथ ही वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और वरना बैटिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, टीम सही है, स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे कमेंट बताया कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो सही था या फिर ये एडिटिंग वाला। मैं यही प्रेफर करूँ कि इसमें थंबनेल शो करता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी मैं अपना वसीबी से चेंज कर सकता हूँ, रैली के लिए अच्छा मैच लेगी कुछ भी कहो। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लगभग 30 हज़ार के आसपास आपको इधर सीखने को मिल जाएगा।